गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन इनकी सारी बहने। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। तो पिटू टू तभी टाटा जा रहे हैं। बाय बाय टाटा, बाय बाय। इतना स्मार्ट बेबी, जहां से उठाया वहीं रखेगा। टाटा, तुम कहां जा रहे हो? आज स्कूल नहीं है बेटे। टाटा बॉय बॉय, जाओ टाटा। मम्मा और बेबी एंजॉय करेंगे। अम्ब्रेला, अरे मेरा बाबा। टाटा टाटा करते टाटा। हवा, बाप रे बाप, हवा देखिए। उड़ मत जाइएगा, जल्दी जल्दी जाइए। नहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। रंग का मुंह दिखता। हाँ चलो, मैं तोता अंदर चलो। यस, गुड बॉय। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन अजीत, अर्जुन और बाकी सभी लोग, क्योंकि सभी तो मेरे भाई नहीं है, बट सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। और डैडा का ऑफिस है, उनकी छुट्टी नहीं है तो वो तो गए हैं ऑफिस। और आप देखिए, आज और कल दोनों ही दिन छुट्टी है, तो हम तो फुल ऑन मस्ती करने वाले हैं। कैसे सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन बिना भाई के? इनके पास बहन है नहीं, अम्मो राखी बांधती है उसको, वो भी नहीं आई। वी आर सैड बेबी। आइए देखो, सैडनेस में क्या कर रहे हैं, पूरा बेड बिगाड़ के रखते हो तुम, समझ लो। लग जाएगी, गिर जाओगे बेटे। क्या किए तुम बेड, बताओ। हैप्पी रक्षाबंधन सोना बेबी। चलो ब्रश करोगे? नहीं, पिकअप के लोगे? चलो ब्रश करो, ब्रेकफास्ट करो। आ जाओ, ब्रश 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 योर टीथ, कम ऑन। ये देखो नंगू पंगू को देखो, बोल दिया कपड़े पहने का नहीं, ये पूरा फैला के रखा है। हाय कर दो, हाय करो, नहीं करोगे? हाय करो, हाय हाय हाय। पता नहीं क्या सोच रहा है। सो ये भी करना है, इधर देखो सब कुछ फैला के रखा है इस लड़के ने, ठीक है, एकदम फैला दिया है सब। ये कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं, अभी बेडशीट चेंज करना है, ये कपड़े फोल्ड करने हैं। सुबह बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से ये कपड़े धुलने हैं, बारिश हो रही है इस वजह से मैं कपड़े अंदर सुखाती हूँ, सुबह से ही बारिश हो रही है। और किचन में सब हो चुका है, बर्तन धुल दिया है, ये बर्तन धुल दिए हैं, इनको सेट करेंगे, अभी चलते हैं। चलती हूँ फटाफट, बेडशीट सही करती हूँ, सारे कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े धुल के नहाऊंगे, बहुत ही काम है। पता नहीं क्या चिंता में चले गए। क्या हुआ राखी, कौन बांधेगा बेबी को मेरे? राखी भाई टेंशन ना, क्या अम्मू नहीं आई? अम्मू नहीं है लल्ला, तुम्हारे राखी तो लाए हैं ना, लेकिन वो बांध देंगे। मम्मा है ना, मम्मा है तो मम्मा सब कुछ करके देगी तुमको। आई लव यू। देखो सहानुभूति दे रहा है मेरे को। तुम्हारे भैया नहीं आए, मतलब मेरे भैया नहीं आए, और तुम्हारे तुम्हारी बहना नहीं आई, उर्फ मासी उर्फ अम्मो तुम्हारी डालनी, और हम लोग भी नहीं जा पाए क्योंकि अभी जस्ट आए थे ना, इस वजह से नहीं गए। किची दे दो, मेरे लल्लो। चलो कोको मैंने देखो, तुम मम्मा काम कर लेगी, ठीक है। आई लव यू, आज क्लास, आज होमवर्क भी करना है, होमवर्क करना है ना, होमवर्क करना है बेबी को, नहाई भी करना है, थोड़ा नहलाएंगे लेट में क्योंकि बारिश होकर ठंडा हो रखा है मौसम, तो ठंडा गर्म ना हो जाए इसलिए। ये अच्छा, अभी बेडशीट सही किया, बहुत मैं मारूंगी, चेंज किया और गंदा मत करना बिल्कुल भी। सो ये हो गया, रूम भी सेट हो गया, बाहर भी सब कुछ सेट हो गया है, आदमी का रूम भी सेट हो गया है, अब मुझे बस ये कपड़े फोल्ड करना है जो फटाफट कर लेते हैं। चलती हूँ आदमी के ही रूम, उधर अपने ही रूम में, क्योंकि आदमी फैलाता बहुत तेजी से है सामान। चलो कपड़े फोल्ड करो मम्मा के साथ, चलो थोड़ा काम करो। हाँ, नवाब बने हो गए हो?
टू, काउंट मत करो, लो। सो कपड़े फोल्ड हो गए हैं, अब इसको रेसेट कर देते हैं, फिर आदविक को ना ये मैं फ्रूट्स खिला देती हूँ, एप्पल एंड पियर पी रहे हैं। हाँ, फिर खा के थोड़ा सो जाना, फिर उठना तब नाइने करेंगे, ओके। को पता तो नहीं है कि आज क्या है, बट उदास उदास सा फील कर रहा बेटा मेरा, पता नहीं है बट फील तो कर सकता है ना। एनीवेज, सो अभी कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, उसको रख देते हैं, फिर आदमी को ये एप्पल प्यूरे खिलाऊंगे, एप्पल एंड पियर प्यूरे है ना बेबी। सो अभी भी मैं उसको बॉयल करके खिलाती हूँ, स्पेशली बारिश है ना तो रिस्क नहीं लेना है, फ्रूट्स तो ऐसे भी खतरनाक हो जाता है कभी कभी ठंड में। एनीवेज, चलो फिर फटाफट करते हैं क्योंकि यार भी काम पड़े, बहुत काम पड़े हैं मुझे। ये बच्चा सो गया, इसको खाने पीने किसी चीज़ से मतलब नहीं है, और मैं पागलों की तरह घर में पगला रही हूँ, याद कर रही हूँ सबको, अजीत अर्जुन सबको, और ये लड़का सो गया, मस्ती किया, सब फैलाया वैलाया और सो गया, नहाया भी नहीं अभी तक, और नहाने से बढ़कर अभी तक इसने कुछ नहीं खाया है, यहाँ तक कि जो एप्पल बोली थी खिलाने के लिए वो भी नहीं खाया इसने, गुस्से में कि और सैडनेस में पता नहीं क्या है, सिर्फ छोटा सा आई थिंक वो 20 ml, हाँ 20-30 ml बोल सकते, वो भी नहीं पी रहा था बेचारा, बहुत उदास है। आई थिंक उसको भी फील आ रहा है कि आज तो कोई तो फेस्टिवल है, लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, जैसे लाइक आदमी 10 जुलाई को हुआ था, और लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर पड़ा था रक्षाबंधन, वो वाज ऑन आई थिंक 6th, 4th or 6th August को, और आदमी सिर्फ 20 दिन का था, एंड अब मैंने उसके लिए बहुत ही क्यूट सा डोरेमोन का राखी बांधा था, और फिर उसके लास्ट ईयर उसके बाद लास्ट ईयर जो हमने राखी आदविक को खरीद लिया था वो एक लाइटिंग वाला था, कार्टून वाला, एंड दिस ईयर ऑल्सो वी बॉट हिम राखी बिकॉज हम वो आ नहीं पाई, तो उसके बिहाफ में उसके डैडा ही से बनवाऊँगी, क्या करूँगी, बट मेरे बच्चों को फील तो आना चाहिए कि रक्षाबंधन है। मैं अपना राखी और लुम्बा दे के आई थी, जैसा कि हमने लास्ट, अगर आपने व्लॉग देखा होगा मेरा बनारस से पठानकोट वाला, उसमें देखा होगा, तो मैं दे के आई थी, बट वो हाथ खुद से बांधने का फील ही कुछ और होता है। एनीवेज, में यहाँ ज़्यादा पता नहीं चलता बिकॉज इधर सेलिब्रेट नहीं होता, और आज छुट्टी भी नहीं थी तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ जब आप सेम सिटी से बिलोंग करते हो, और स्पेशली ऐसे सिटी से जहाँ पे उस सिटी में सेलिब्रेशन होता है और बहुत पता चलता है, जैसे होली इधर नहीं पता चलता है, दिवाली वगैरह, लेकिन इधर आपको करवा चौथ पता चलेगा, तो ये सारी चीज़ें तो फील ज़्यादा आने लगता है, यहाँ पे तो अंदर कुछ हो ही नहीं रहता इसलिए पता नहीं चल रहा है, बट फिर भी मन तो कर रहा था, बट क्या कर सकते हैं। एनी वैसे आदविक सो रहा है तो मैं उसके लिए एप्पल तो है ही, लेकिन अभी ना कुछ बना देती हूँ, कुछ बनाऊँगी क्या, हलवा बना देती हूँ क्योंकि हलवा बच्चे ने खाया नहीं है, तो आई जस्ट कुक हलवा फॉर हिम, और अभी बज रहा है 3:40, पता नहीं, डैडा तो बोले थे आज जल्दी आ जाएंगे बट अभी तक आए नहीं है, और फिर फ़ोन भी किया था तो बोल रहा हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ, और 10 मिनट अभी तक उनका हो ही रहा है। एनी वैसे मैं चलती फटाफट बनाती हूँ, आदविक के लिए हलवा कभी भी उठ सकता है ना, फिर उसको फटाफट रेडी करेंगे, और जब डैडा आ जाएंगे ना तो मैं तो नहीं बनूँगी बट डैडा से उसकी राखी बनवाएंगे, है ना, उसके लिए बड़ा ही क्यूट सा राखी लाएँ, और कैसा लाएँ आपको जरूर दिखाएंगे, मैं पहले ही ला दी थी, और अम्मू को बड़ा मिस कर रहा है, मैं भी बड़ा ही मिस कर रही हूँ, तो अम्मू का गिफ्ट नहीं पहुँचा पाए हम लोग, और मेरी तरफ क्योंकि अम्मू मुझे भी लुम्बा बांधती है, सिर्फ भाभियों के लिए नहीं होता है लुम्बा, बहनों के लिए भी होता है, जिनके भाई नहीं होते वो अपनी बहनों को ही बांधते हैं, बट अम्मू के केस में वो मुझे ही बांधती है और अजीत अर्जुन को ही बांधती है, तो कुछ नहीं दिया मैंने उसको। एनीवेज, दे देंगे जब मिलेंगे तो दे देंगे, बट अभी चलते हैं आदमी के लिए बना लेते हैं हलवा। डेढ़ा तो आते ही सो गए, 4:30 बज रहा है, वापस कपड़े में ही सुखाते हुए, चलो ये रेडी हो गए लड़के, राखी बांधने के लिए रेडी किया है तुमको, कहीं जाना नहीं है, देखो नियाने दिखा दो अपना नियाने, वाह आदमी की सोच स्मार्ट है, चलो काजल लगा दे, थोड़ा सा टीका लगा दे, आओ हर्ष चलो चलो, डैडा तो आ गए हैं लेकिन वो सो गई है, राधवी रेडी है राखी बनवाने के लिए, और साथ में डैडा भी आदमी के लिए राखी ले आए, ये दो, लेकिन बच्चों वाला बिल्कुल नहीं लाए, क्या समझ के लाए भगवान जाने, जबकि आदमी के लिए तो राखी पहले से ही था। एक बार दिखाती हूँ क्या राखी लाए, वो भी दो ले आए, एक शायद खुद के लिए लाए होंगे पता नहीं, ठीक है ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए तो नहीं है, आदमी के पास जो राखी है उसका बच्चों वाला है, दिखाती हूँ, और साथ में भी लाए हैं कुमकुम, चलो फिर डाटा का उठने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद डाटा का ही बनवाएंगे आदमी को राखी, क्या करेंगे। आदमी बैठे हैं किचन में, बन रहा है मैगी मसाले वाली, और बन रहा है चाय, अब ये हो गया दूध बॉयल, हाँ मम्मा को हेल्प कर रहे हैं, डाटा को मैगी खाना था और मुझे चाय पीना था, तो हुआ कि भाई दोनों पियेंगे, और बज रहा है 6।
रात की अभी तक नहीं बन दी बेटे को, तो पहले हम लोग इवनिंग स्नैक्स कर लेंगे उसके बाद। और आदमी को भी मैंने खिलाया है एप्पल। क्या क्या बनाना का बेबी, बनाना तो मैगी भी खिलाएंगे उसको, पकने पकने देते हैं फिर डैडा को पकाएंगे। हाँ पहले खा लेंगे उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ना बेटे, राखी सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी रक्षाबंधन बोल दो, बोल दो अम्मू कहाँ हो अम्मू। तो ये रहा डैडी के लिए मैगी बिस्किट चाय, चलो पचा देते हैं फिर अपना भी ले जाएंगे। डैडा डैडा उठिए, आ जाओ बेटा आ जाओ, उठिए ना तो आ रहा है, उठिए। तो खा रहे हैं, अब मैं भी चलते अपना खाती हूँ। गाँव की मैगी 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 विद चाय चाय चाय। तो हो गया इवनिंग स्नैक्स, खा लिया हमने मैगी चाय बिस्किट वगैरह। और बारी थी रिचुअल्स करने की, तो डैडा बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, बट मैं बांधू उसके पहले ना मैं आस पड़ोस में देख के आता हूँ, मैं आदमी के लिए बहन का व्यवस्था बना के आता हूँ। तो वो देखने गए कि आस पास में अगर कोई छोटी बच्ची है तो, या छोटी बच्ची या बड़ी बड़ी भी रहेगी तो भी चलेगी, उसको ले आते हैं, उससे बंधवा देते हैं राखी डैडा को भी और आदमी को भी। तो वो देखने गए अगर मिल जाती है तो बेस्ट हो जाएगा, ताकि शुभ हो जाएगा कि बहन ही बांधी है, अदरवाइज दोनों आपस में बांध लेंगे एक दूसरे को। और क्या, मैं तो बांध नहीं सकती ऑब्वियसली, डैडा को तो बिल्कुल नहीं, आदमी के केस में कर सकती हूँ बट मैं शूट करती हूँ तो डैडा करेंगे। लेट्स सी बहन मिलती है कि नहीं मिलती है, फनी बट ओके, आदमी को भी अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी मिलती है कि नहीं मिलती, मैं भी थोड़ा देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है। डैडा के बाइक पर बैठी हूँ, डैडा का वेट कर रही हूँ और आदमी का भी, वो बहन लेके आए तो राखी बनवाए हम लोग। मिली बहन मिली, उसका पानी भरा है पूरा, कहाँ पानी घुस गया, पानी में छुपर छुपर करने लगा, उठा लेना चाहिए था ना, पूरा पैर गंदा कर लिया है। बहन मिली कि नहीं मिली, तो नहीं मिली। और दूसरे अब डैडा अकेले गए ढूंढने के लिए, उनकी एक फ्रेंड है जिनकी बेटी है, तो वो देखने गए कि है कि नहीं है, अदरवाइज हम सोच रहे हैं कि ऊपर वाली भाभी को बोलते हैं मारने के लिए, लेकिन वो भी अभी बाहर गई हुई है। लेट्स सी, नहीं तो फिर डैडा से ही बनवाएंगे, अब क्या करेंगे यार, बट राखी तो मान लेंगे ही आदमी को। देखो राखी की खुशी में डांस कर रहे हैं। फाइनली हम जा रहे हैं आदमी को राखी बांधने के लिए, हमें कोई भी बच्ची नहीं मिली सो डैडा ही बांधेंगे। सो राखी की थाली तैयार कर देते हैं और मुहूर्त तो हो चुका है, बनवा देते हैं और डैडा भी खुद को ही बांध लेंगे, क्या कर सकते हैं। सो ये जो राखी डैडा लाए हैं अपने लिए और आदमी के लिए, और ये आदमी अम्मो वाला आदमी को, लास्ट ये भी सेम राखी सेम कलर सेम डिज़ाइन, हमने उसको टाई करवाया था। और ये डैडा का थोड़ा सा टीका, चावल, कैंडी और ब्राउनीज, मिठाई की जगह हम लोग ब्राउनीज दे रहे हैं। चलो फिर करते हैं। राखी भाप बेटे अपने पर दूसरे में बांधेंगे, आ जाओ आदमी बंद करिए। वाओ, सो मिठाई में ब्राउनी है, कैंडी है, राखी है, चावल है। या रिचुअल शुरू किया जाए, ये बहना ये भाई, ये भाई ये बहना, आपस में ही भाई बहना हो रहा है, हम तो भाई हैं कैमरा वाले। ये पहले टीका लगाते हैं बुबू, अच्छा पहले खोल रहे हैं। सो ये है आदमी का राखी, ये गाना गाओ बेटा, तुम गाना गाओ भैया मेरे। वाओ, ये रहा आदमी का राखी और ये डैडा ले आए अपने लिए भी। और आजा बेटा, आजा बेटा, आगे बेटा, वोला भी खोल लेते हैं, दोनों बांध देते हैं इसको। बेबी वाओ, आजा 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 टीका। वाओ राइस राइस, वाओ नाइस राइस नाइस, ओए खाना नहीं आती मुंह में, आई गुड बॉय। आरती नहीं करेंगे, राखी राखी आदमी की राखी, बेबी राखी लगा दे, राखी लगा। वाओ लाइट जलाई है, लाइट जलाई तभी, वाओ लाइट जल रही है, वाओ वाओ, थोड़ा सा तोड़ के खिलाई, पूरा लेगा फैलाएगा।
यम 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 यम। और खा लो और खा लो और खिला दीजिए। वाह पैसे लो डाटा को पैसे लो बेटे। ये वाला भी बांध दीजिए, एक पीस वाला भी बांध दीजिए बाबू को मेरे। आप अपना अपने से बांध देंगे क्योंकि हम तो नहीं बांधेंगे ना। ठीक है भले मैं लगा दूंगी। ये लो वो मत खाओ, वो राखी नहीं खाना। ब्राउनी वाओ, दो दो राखी, एक डैडा का भी राखी है। काट वाले में कहा उसको मजा आने वाला है। ये वाला अच्छा बेटा, ये बांध लो बांध लो। वाओ ऊपर से कर लीजिए, उल्टा कर दीजिएगा ना। रुक जा बेटे, पलट रहा चलिए। हाँ जी वाओ ना लगा। भैया मेरे राखी को बंधन को निभाना, डैडी मेरे बहना नहीं है तो राखी तुम लगाना। हाँ ऐसे बांधे, खोल लेगा दो मिनट में, उसको उस टाइट कीजिए खुल लेगा, गांठ बांधिए। वाओ बे पैसुला डैडा पैसुला। ये अरे नाक लग गई। अरे आपका ऐसे रखिए। हाँ वाओ अब राखी आप खुद बांध लीजिए भैया, हम नहीं बांधेंगे आपको। बहन नहीं है हम आपकी, बीवी हैं। बांधिए इधर इस, चलिए खींचिए यहाँ से, ये वाला पकड़े हैं। ज़्यादा टाइट नहीं बांध दिया। ले जाओ मिठाई खिला सकते हो, राखी बांधिए। अरे अच्छा वाला है भाई। आशीर्वाद दिया बेटे, आशीर्वाद लाइए बेटे को मेरा, आशीर्वाद दीजिए। अरे बेबी अरे तुम बाद में ले लेना आशीर्वाद, तो लो आशीर्वाद दीजिए, हगी कर लीजिए भैया। गिफ्ट बेबी का गुल्लक कहाँ है भाई, कैश देंगे कैश, कैश देंगे काइंड। बेबी का गुल्लक लाना पड़ेगा गिफ्ट। राखी भी खुद ही बनवाएगा, गिफ्ट भी खुद ही लेगा बेबी मेरा। ओनली कैश नो काइंड नो गिफ्ट। हाँ बेबी वाओ आजा, गिफ्ट ले लो बेबी, ले लो ले लो बेबी। बेबी ले क्यों नहीं रहे हो बेबी, ले लो। हम लोग पता है नाटक कर रहे हैं, आप दोनों देंगे ले, उसको डालने दीजिए। ले लो ले लो। हाँ कैसे करता है बीबी? ये 101 रुपए, 111 रुपए, 1 रुपए और दे दीजिए, शुक्र कर दीजिए। नहीं है ठीक, चलिए कोई बात नहीं। वाओ 10 रुपए और 120 रुपए। वाओ उसको तो जितना देते हैं उसको मजा आता है। वेरी गुड बेबी। हाँ कर दो करो करो। यस ये हमने बैटरी लगाना है, ये आगे से लेता है लेकिन बैटरी नहीं है अभी। वाओ दादा किसी तो अभी किसी तो दादा को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो। हाँ थैंक यू। ओ ये बोले बेबी, ओले मेरा बच्चा। ये हो गई भाई हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन बोल दीजिए। बड़े दुखी हैं बेचारे। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं अपने भाइयों से नहीं मिली। ये देखो इतने दुखी हैं, हर बार मुझे नहीं लेके जाते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम जाते पक्का से, है ना बेबी? अपने राखी से पूछो। तो गाइस अभी हम लोग ब्राउनी खाएंगे। भाई बहन में प्यार हो रहा है, भाई बहन में प्यार हो रहा है, बहन भाई में प्यार हो रहा है। डैडा प्यारी तो है। कुछ ऐसे बीता हमारा आज का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। आप लोगों का सेलिब्रेशन कैसा गया जरूर कमेंट करके बताना, और आप लोग आज सेलिब्रेट किए या नहीं, या आप लोग कल कर रहे हो ये भी कमेंट करके बताना। एंड आई थिंक आज के लिए इतना ही, हमें तो बड़ा ही मजा आया। मतलब अब क्या कर सकते हैं, कुछ करके किया तो जा सकता नहीं है, घर जा नहीं सकते थे, तो जैसे तैसे ही करके हमने यहीं सेलिब्रेट किया। अब यहीं है तो क्या किया कर सकते हैं, है ना बेबी? सो जहाँ रहो मस्त रहो। मे बी हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे रक्षाबंधन पे, मतलब मैं 2 साल लास्ट ईयर भी नहीं गई थी।
कोई बात नहीं। अब आदमी का बोध है तो जुलाई में ही पड़ता है, अब क्या करेंगे, और अगस्त में ही आता है रक्षाबंधन। एनीवेज लेट्स सी नेक्स्ट ईयर, हम जरूर प्लान करेंगे, है ना बेबी, करेंगे ना। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। और डैडा थोड़े से दुखी थे, मैं दुखी इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरी बात तो भाइयों से हो गई थी, और दूसरी बात यह है कि यहाँ मुझे फील नहीं आ रहा है रक्षाबंधन का, लाइक जैसा मैंने पहले भी बोला यहाँ पता ही नहीं चलता है कोई भी फेस्टिवल, तो इस वजह से इतना फील नहीं आता, और फिर उस फील की वजह से फील नहीं आता है तो फिर मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। और आई थिंक ये भी रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके रखी हुई हूँ आधविक में, तो कुछ भी मुझे नहीं फील होता है एज एन लाइक कि मैं घर से दूर हूँ या लोगों से दूर हूँ, मैं लोगों से बात नहीं करती हूँ, ज़्यादा मिलती नहीं हूँ, ज़्यादा फ़ोन नहीं करती, यहाँ तक कि अपने घर में भी मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं करती हूँ, कभी कभी मम्मी फ़ोन करेंगी तो ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखती हूँ अपने आप को आदविक और आदविक की चीज़ों में, आदविक की पढ़ाई में, आदविक के कपड़े ये वो करके, एनी वे आई थिंक आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई सन, हाँ विच इज़ गुड ना, इवन मैं अपने लिए भी नहीं सोचती, क्या कर सकते हैं, मैं पागल मम्मी तो नहीं होती जा रही हूँ, मैं ये प्यार है मेरा मेरे बेटे के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा है और क्या कर सकते हैं। एनी वेज तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, आई सी यू गाइस टुमारो विद अनदर न्यू व्लॉग, टिल देन अपना ख्याल रखिए, ईट हेल्दी बी हेल्दी, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन एंड कमेंट कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है, एंड ऑल्सो डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर रील्स, और ये लड़का सब कुछ फैलाएगा, करो करो टाटा बाय बाय गुड नाइट आई लव यू बोलो, चलो गाइस विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय। Thank you.